dear lovely students, today our portion will be right circular cone. This is the portion of volume and surface area of solid में हम लोगों ने cube and cylinders जो solids हैं उसका हम लोगों ने उसके problems को हम लोगों ने सोल्व किया और स्टडी जो है सिलेंडर जो पोर्शन था सिलेंडर पोर्शन का एक्सरसाइज 15 भी हम लोगों ने फिनिश किया। तो अभी ये हमारे सामने जो पोर्शन है वह है राइट सर्कुलर कोन। तो पहले यह देखें ये कोन कैसा शेप है इसका शेप क्या है साइज क्या है इसमें कौन सा ये टर्म्स हैं। तो इसी अराउंड मेनी थिंग्स सच एज आइसक्रीम। अब आइसक्रीम का भी शेप डिफरेंट है लेकिन आप देखेंगे एक आइसक्रीम का बॉक्स ऐसा उसमें कुल्फी वगैरह ये ऐसा फिल किया जाता है वह आइसक्रीम है ना। एंड ये जोकर कैप बर्थडे कैप भी वैसा ही होता है। एंड पेंसिल हमारे पास ये पेंसिल होगा पेंसिल का जो पॉइंटेड पार्ट है टॉप है बाकी उसके रिमेनिंग जो पार्ट्स है वो सिलेंडर शेप का है बट उसका जो पॉइंटेड है जिसे हम कटर के द्वारा जो है वो ठीक करते हैं वह पॉइंटेड पोर्शन जो होता है वह कोन वह जो शेप है वह कोन है। लाइक हम कुछ फिगर ये ड्रॉ करते हैं देखिए आप ऐसा जो भी शेप का ऑब्जेक्ट मिलता है वह क्या है तो यहां कोन है यह जो शेप दिख रहा है ऑन बोर्ड यही कोण है ये राइट सर्कुलर कोण। ध्यान देंगे यहां जो इसका बेस है वह सर्कुलर है सर्कल लाइक अ सर्कल है ना। ऐसे आप हम लोग विभिन्न अवसरों पर वैसा टेंट भी लगता है जो कोनिकल शेप का होता है दैट मींस कोन होता है ना कोन शेप का है इसीलिए उसका ये नाम है कोनिकल टेंट। कुछ विशेष अवसर पर वैसे ये टेंट लगते हैं तो उसमें यह कोनिकल ऐसा ही बनता है ठीक। अब ये कोनिकल शेप को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं या कैसे ये कोनिकल शेप मिलेगा तो इसको देख सकते हैं। इसके लिए हम एक जैसे ये देख सकते हैं आप कि हमारे हाथ में यह पेपर का एक पीस है पीस ऑफ पेपर यह पेपर जो दिख रहा है इसका जो शेप है अभी है ना ऑल ऑफ नो ये कैसा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके जो साइड्स हैं ये दो हैं ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं इसमें एक बेस होता है एक हाइट होता है ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं यानी यह जो वर्टेक्स है वो राइट एंगल फॉर्म करता है। एंड अदर ये जो थर्ड साइड है ये हाइपोटेनस ये जाना जाता है। आप देखिए ये हमें
इसी कंसेप्ट को डेवलप करना है। अगर इसको हम इस रूप में रखे हैं, है ना, और ये राइट एंगल जो फॉर्म हो रहा है उसके जो टू लेग्स हैं, विजुअल जो परपेंडिकुलर है इसके अबाउट, है ना, इसको रिवॉल्व कर देंगे आप, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, है ना, इस ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर इसके अबाउट इसको रोटेट करेंगे तो दस जो फिगर जनरेट होगा या क्या होगा, कोण होगा। और इसमें जो बेस बन रहा है उसका जो रेडियस होगा, जो इसका लेंथ होगा वह रेडियस होगा, और यह परपेंडिकुलर यानी जो बेस है यह रेडियस होगा, और यह जो परपेंडिकुलर है यही हाइट होगा, और यह जो हाइपोटेनस इसमें दिख रहा है वह स्लैंट हाइट होगा, उसे कहते हैं कि स्लैंट हाइट। तो इस तरीके से हम ये कंसेप्ट हमें रखना है, रेडियस क्या है, हाइट क्या है, स्लैंट हाइट क्या है, ठीक। तो ऐसे ये प्रैक्टिकल फॉर्म में बहुत सारे ये क्वेश्चन जो होगा वो प्रैक्टिकल फॉर्म का होगा, ये बेसिक ही केवल नहीं होगा, इसका वॉल्यूम फाइंड करना, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया, या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे। जैसे सपोज कर सकते हैं कि टेंट लगाना है, टेंट बनवाना है किसी को, और किस साइज का, ये कितने रेडियस का वो टेंट लगेगा, कोनिकल टेंट, तो उसमें कितने रिक्वायरमेंट होगा थिक क्लॉथ का, या जिस प्रकार का क्लॉथ लगेगा वो क्लॉथ का रिक्वायरमेंट होगा, तो उसको जो बनाने वाला है वो फाइंड कर लेगा कि कितना उसका जो है वह क्लॉथ उसके लिए चाहिए। इस तरीके से अपना वह टेंट प्रिपेयर करता है, या पहले से उसके पास है तो कितने साइज का हम बना सकते हैं, हमारे पास कितने क्लॉथ चाहिए वो निकालता है। तो इस तरीके से ये व्यवहारिक, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होते हैं, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर होना है, ये क्या। दूसरा आप देखें, ये परपेंडिकुलर म्यूचुअल जो परपेंडिकुलर है, बेस एंड परपेंडिकुलर, इसमें से किसी आप, है ना, एक को बेस ले सकते हैं किसी के अराउंड जो है, अबाउट जो है वो रिवॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ऐसा भी है कि यह जो हाइपोटेनस दिख रहा है, इस हाइपोटेनस के अबाउट अगर हम रिवॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे जो क्या मिलेगा, तो इस तरीके से टू कोण मिलेगा, इसमें टू कोण मिलेगा, दिख रहा है ना, एक ये इस तरीके से रिवॉल्व होगा, दोनों को फिगर के रूप में भी हम दिखाएंगे, ऐसे रिवॉल्व होगा तो इसमें टू कोण मिलेगा, इसमें बेस दोनों का सेम होगा, बेस रेडियस जो है वह सेम होगा। तो इस तरीके को, इस तरीके से ये फिगर में भी देख लीजिए आप कि या अगर हम इस तरीके का ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसको रिवॉल्व करेंगे तो यह इस तरीके का यह कोण मिलेगा, बट ये क्या है, ये टू कोन्स मिलेंगे, इसका यह जो बेस होगा यह बोथ, ये बोथ आर, बोथ का जो बेस होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा, इसका रेडियस इक्वल होगा, है ना। यहां अभी ऐसा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आएगा, तो फॉर कॉन्सेप्ट जो है ये फिगर पहले ही ये डील किया जा रहा है। अब नाउ ये कंसीडर करें, जैसे कि बताया गया राइट ट्रायंगल एबीसी है, दिख रहा है या क्या है, तो राइट ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी 90 डिग्री, गुड, कहा कि इसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट एबी, एबी ए फिक्स एक्सिस है, इसके अबाउट इसको रिवॉल्व रोटेट कर रहे हैं, तो आफ्टर रोटेटिंग वी ऑब्टेन्ड अ कोन एडीसी, है ना, यह कोन, ये रोटेट, आफ्टर रोटेटिंग जो है
यह कोण मिलेगा, इसका रेडियस जो होगा यह BC, ये क्या होगा, यह रेडियस होगा एंड यह AB जो है, यह है AB, यह हाइट, इसे हाइट कहेंगे, जिसे जनरली हम H से भी नोट करते हैं। तो हाइट ये H यूनिट्स होगा और यह जो AC है, इस AC को कहते हैं स्लैंट हाइट। प्लीज कीप इन योर माइंड हियर हाइट एंड स्लैंट हाइट, सिंपली हाइट टर्म्स ये यूज हुआ है, हाइट वर्ड है, तो AB इज अ हाइट। हियर जो कोण ADC फॉर्म हो रहा है उसका हाइट H हाइट होगा और स्लैंट हाइट के लिए हाइट के पहले यह जो वर्ड है स्लैंट, ये स्लैंट लगना ये मस्ट है। तो स्लैंट हाइट जिसे ये तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं, या स्लैंट हाइट जिसे हम L जनरली L से इसको डिनोट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से राइट सर्कुलर कोन ऑब्टेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक राइट ट्रायंगल ABC, है ना, तो यह क्या होगा, राइट ट्रायंगल लेट, राइट एंगल ट्रायंगल, वी राइट सिंपली राइट ट्रायंगल, लेट राइट ट्रायंगल एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। गुड, आफ्टर रोटेटिंग ABC, AB as, है ना, about AB, after rotating ABC, about side AB, we obtained a cone ADC in which BC, BC ये क्या है, in which BC is a radius, and BC is radius, AB as height, and AC is a slant height. Good. इसमें क्या होगा, यह जो बेस सर्कुलर है इसमें BC इसका रेडियस है एंड AB हाइट है एंड AC स्लैंट है। नाउ लेट BC इक्वल टू R यूनिट्स, दैट इज अ रेडियस ऑफ बेस, AB इक्वल टू H यूनिट्स, दैट इज अ हाइट, एंड AC इक्वल टू
एल यूनिट्स, दैट इज अ स्लैंट हाइट, इस इज अ स्लैंट हाइट। नाउ आप देखिए ट्रायंगल एबीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये पहले से ये हमें जानकारी है ना। इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी, हियर ए सी जो है वह ए सी क्या है, एल, सो एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी है वह एच है, सो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, किस तरीके से या एल स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना, ये कॉमोटेटिव ला है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सो एल इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये यूनिट्स मिलेगा। यह अब देखें एल आर एच में यह रिलेशन है, ये पहले से जानते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हैं, है ना, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, दैट इज अ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, तो व्यूअर ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये थ्री टर्म्स हो गए। आप देखेंगे ऐसा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, इसमें हमें आउट ऑफ थ्री टू आर गिवन, कहीं ऐसा भी होगा कि रेडियस और हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं, स्लैंट हाइट रेडियस गिवन है हाइट फाइंड कर सकते हैं, स्लैंट हाइट हाइट गिवन है रेडियस फाइंड कर सकते हैं, यानी आउट ऑफ दीज थ्री टर्म्स टू ऑलरेडी क्या होगा वो गिवेन होगा, और थर्ड टर्म जो है जैसी जरूरत होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो थर्ड टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन, सो प्लीज लर्न इट। नाउ सी नेक्स्ट ये फार्मूला, तो एक एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्लैंट हाइट के लिए, हम बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, स्लैंट हाइट के लिए ये स्लैंट वर्ड जो है हाइट के पहले ये लगा होगा, तो हम समझेंगे कि ये स्लैंट हाइट है, वनली हाइट है दैट मींस ये हाइट, तो यहां किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि हाइट और स्लैंट हाइट क्या है, उसमें हम बिल्कुल कंफर्म रहेंगे, स्लैंट हाइट दैट मींस ये तिरछी ऊंचाई है या जो कोण है उसकी तिरछी ऊंचाई है, हाइट है वह परपेंडिकुलर हाइट, ओके। स्लैंट हाइट निकल गया एल इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस आर एच स्क्वायर, देन वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन मींस राइट सर्कुलर, है ना, शॉर्ट फॉर्म में ये कोन ही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू वन थर्ड ऑफ पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स, है ना, इसमें ध्यान देना है पाई आर स्क्वायर एच हमने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका मतलब है कि सिलेंडर और कोन का जो वॉल्यूम है उसमें कुछ रिलेशन ये शो कर रहा है, शो कर रहा है कि नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन विथ रेडियस
आर यूनिट्स एंड हाइट एच यूनिट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ रेडियस आर यूनिट्स एंड हाइट एच यूनिट्स पाई आर स्क्वायर एच। यानी कहने का अर्थ है कि रेडियस और हाइट अगर सिलेंडर और कोन का सेम है तो इसके वॉल्यूम में ये रिलेशन है। कोन का जो वॉल्यूम होगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स होगा। किस सिलेंडर का? तो यहां कंसंट्रेट होना है कि रेडियस और हाइट दोनों का सेम होगा, वैसे सिलेंडर्स का और कोन का यह रिलेशन है। जैसे आप देख सकते हैं यह जो कोन है या ए बी सी जो बनाया है, डी है, ये रेडियस आर है, हाइट ये एच है, स्लैंट हाइट एल है। इस तरीके से इसी बेस का जो सिलेंडर होगा, बेस दोनों का सेम है ना, हाइट इक्वल है, तो यह जो वॉल्यूम का जो रिलेशन है वह क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 ऑफ द सिलेंडर, 1/3 ऑफ सिलेंडर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। गुड। नाउ सी, अब देखिए इसे हमें इस फॉर्म में भी ध्यान में रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन वैसे आते हैं, आपको यह ध्यान रखना है कि 1/3 इंटू, अब यह पाई आर स्क्वायर देख, तो पाई आर स्क्वायर क्या है? बेस जो है वह सर्कुलर है, सर्कल है, लाइक सर्कल है विद रेडियस आर, तो सर्कल का जो एरिया होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन इंटू हाइट या क्यूबिक यूनिट। तो हमें इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में भी कंसेप्ट रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ऑब्जेक्टिव या प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, एरिया ऑफ द बेस गिवन है, सपोज कर लीजिए कि एरिया ऑफ द बेस स्मॉल ए यूनिट्स है, ये स्क्वायर यूनिट्स है, एंड हाइट जो है वह बी यूनिट्स है, देन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो आप वहां सीधे ये बता सकते हैं कि 1/3 ए बी क्यूबिक यूनिट्स। उसमें अब ये हमको नहीं देखना है कि हमें रेडियस टर्म अलग मालूम है कि नहीं, हमको रेडियस अलग निकालना है तब निकाले, नहीं, यह एरिया ऑफ द बेस ये गिवन है, एरिया ऑफ द बेस एक साथ गिवन है, तो उससे हमें वॉल्यूम निकालने के लिए अलग ये रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है हम एरिया ऑफ द बेस यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वॉल्यूम ऑफ द कोन इजीली फाइंड कर, राइट, ओके। तो ये फर्स्ट ये फॉर्मूला हुआ। सेकंड है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इक्वल टू पाई आर एल, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान दीजिए कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, इन प्रैक्टिकल फॉर्म में कहां कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होता है, जैसे अब टेंट हमको लगाना है ना, कोनिकल टेंट लगाना है, तो कोनिकल टेंट में कितने ये क्लॉथ लगेंगे, या कोनिकल शेप का कोई भी थिंग्स है, कोनिकल शेप का कोई भी थिंग्स है उसका हमें पेंट करना है, तो इस तरीके से पेंट जो होगा वह उसका कर्व सरफेस होगा। जैसे टेंट लगाने में जो क्लॉथ लगेगा, हाँ वहां ध्यान रखेंगे कि अगर ये रहेगा कि नीचे उसमें क्लॉथ अगर बिछाना है तब तो फिर उसका अलग हो जाएगा,
20 होगा, लेकिन जनरली ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि ओनली 10 बनाना है, क्वेश्चन के नेचर पर ये डिपेंड करेगा, है ना। तो उतना कितना क्लॉथ लगेगा उसमें कर्व सरफेस एरिया ही फाइंड होगा। इस शेप का कोई सॉलिड्स है उसको पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए तो यह कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, है ना। वो कोई मेटल से बनाया जा रहा है लाइक टीन स्टील एल्यूमिनियम ऐसा ये बनाया जा रहा है, तो उसमें भी निकालना है तो कितना रिक्वायरमेंट होगा, ये आयरन सीट टीन सीट एल्यूमिनियम सीट, तो उसमें ये कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल ये निकालते हैं। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, पाई आर एल पाई आर एल इक्वल टू हम लोगों ने निकाला है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यह स्क्वायर इमेज। दैट मींस ऐसे कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको कौन सा टर्म चाहिए, तो रेडियस एंड स्लैंट हाइट चाहिए। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि रेडियस एंड हाइट गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा हमको, पहले हमें रेडियस एंड हाइट ओनली गिवन है तो स्लैंट हाइट ये फाइंड कर लेना, है ना। तो आसानी होगा, स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे और तब हम पाई आर एल इसमें रेडियस और स्लैंट हाइट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया इजीली फाइंड हो जाएगा। ऐसे इस फॉर्म में भी डायरेक्ट निकाल करके आप यूज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कभी ऑप्शनल में ऐसा फॉर्मूला होता है कि कर्व सरफेस एरिया पूछा जाता है, उसका ऑप्शन जो गिवन है दे दिया कि ये रेडियस आर यूनिट है, हाइट एच है, स्लैंट हाइट एल है, बट ऑप्शन में गिवन है ओनली रेडियस और हाइट के टर्म, ठीक। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि वहां यही ये फॉर्मूला हो, एल नहीं गिवन है, पाई आर एल नहीं गिवन है, तो पाई आर टाइम्स रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ही तो होगा। तो इस तरीके से छोटे ये क्वेश्चन होते हैं, इस पे हमें ये सावधान होना है। नाउ सी थर्ड जो फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होल, टोटल टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होल इक्वल टू क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए होल, है ना। कर्व सरफेस एरिया जो कर्व है वह कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस एरिया ऑफ द बेस, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल एंड प्लस एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट्स। नाउ इस फॉर्म में भी एक है ना कंसेप्ट चाहिए, इसी को और जो है वह शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, पाई आर ये कॉमन है तो पाई आर टाइम्स एल प्लस आर, इसी को अरेंज कर लें तो पाई आर टाइम्स आर प्लस एल स्क्वायर यूनिट्स, ये ध्यान रखने में सुविधा होती है, इसलिए इस फॉर्म में अरेंज कर लिया पाई आर टाइम्स आर प्लस एल। ये कंसेप्ट यह चाहिए कर्व सरफेस एरिया द कोन प्लस एरिया ऑफ द बेस। इस चैप्टर में यही 3A फॉर्मूला है, इसे एक बार रिपीट कर लें, यह स्लैंट हाइट हाइट एंड रेडियस में इक्वेशन है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट मींस एल इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या याद रखना है, देन वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स, दैट इज 1/3 एरिया ऑफ द बेस, ध्यान देना है पाई आर स्क्वायर दैट मींस एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। सेकंड ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स, दूसरा ये फॉर्म होगा पाई आर इनटू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। थर्ड जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस एरिया ऑफ द
बेस दैट इज अ पाई आर टाइम्स आर प्लस एल स्क्वायर यूनिट्स। गुड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है, पहले हम इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से ये लर्न कर लेंगे। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई टर्म में प्रॉब्लम होगा हम इसे दूर करेंगे, है ना। ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल याद होना चाहिए। पहले ही मैंने चैप्टर शुरू करने के पहले भी कहा था, ये चैप्टर का जितने पार्शंस होंगे उस वो फॉर्मूला बेस्ड है। अब यह ऐसा नहीं होगा, इसकी सेप का ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल जितने इसमें प्रॉब्लम्स हैं वह व्यवहारिक प्रश्न है, हम आसपास वैसी चीजों को देखते हैं तो उससे ज्यादा सीखेंगे भी। उन चीजों को पेंट करना है, कितना पेंट लगेगा, उसका रेट गिवन होगा, पेंट करने का खर्च तो क्या है ना, टोटल कॉस्ट होगा। तो इस तरीके से आप देखिए, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है, तो आप देखेंगे एक कोनिकल वेजल्स जो है जनरली लिक्विड मेजरमेंट करने का भी होता है, ऑयल वगैरह केरोसिन ऑयल जो मेजरमेंट करते हैं, तो वह भी जो डिवाइस है मेजरमेंट करने का तो वह भी कोनिकल ये शेप का होता है। अब उसमें कितना उसका वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम से कंसेप्ट यही होगा कि उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना वह कंटेन करता है ना, उसने कितना अट जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, अब कोनिकल शेप में जो भी ये ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वॉल्यूम से कंसेप्ट यह होगा। कर्व सरफेस एरिया हम लोग समझ गए, टोटल सरफेस एरिया का कंसेप्ट ये में, टोटल सरफेस जो होगा ऐसा भी हो सकता है कि क्लोज्ड हो, है ना, या बेस भी क्लोज्ड हो, तो उसमें कितना सीट रिक्वायरमेंट होगा उसको बनाने में, तो वहां टोटल सरफेस एरिया लगेगा। अब सीट का कुछ रेट गिवन होगा तो टोटल कॉस्ट भी हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके का इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में होंगे, ठीक है। इसके साथ ही हम एक बार और रिव्यू करना चाहते हैं कि हम लोगों ने क्यूबॉइड पढ़ा है, क्यूब पढ़ा है, उसका भी वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा है, सिलेंडर्स पढ़ा है, उसका भी वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया पढ़ा है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ये मिसलेनियस होंगे, मिसलेनियस होंगे मींस उसका कुछ आइडिया जो है आप लोगों को इसमें दे देंगे, ताकि वैसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप उससे डरेंगे नहीं, आप उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, तो जैसे देखिए आप, हमने कहा कि मिसलेनियस क्वेश्चन भी इसमें हो सकता है इस एक्सरसाइज में। आप सपोज कीजिए कि यह सिलिंड्रिकल ये सॉलिड है, वुडन ये सॉलिड, सिलिंड्रिकल सॉलिड है, वुडन है, लकड़ी का गट्ठा दे देखा हो। अब इसमें से ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें कोनिकल जो है, जो बेस उसका है रेडियस तो ये होगा आर, हाइट भी है एच, कुछ से कुछ गिवन होगा। अब सपोज कर लीजिए इतना जो है इससे है ना, इसको ये आफ्टर डिगिंग ये कटिंग ये खोद करके ये निकाल दिया गया, तो किस शेप का निकाला गया, ध्यान देंगे यहां ये बिल्कुल क्लियर है कि यह कोनिकल शेप का है जिसे खोद कर निकाल दिया गया। तो रिमेनिंग जो सॉलिड्स हैं उसका वॉल्यूम निकालना है। अब यहां ये मिसलेनियस हो सकता है, होगा, यहां मिक्स है क्वेश्चन, सिलेंडर का भी एप्लीकेशन होगा, इसलिए उसके फॉर्मूला भी कंसल्टेट होंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये फाइंड कर लेना पड़ेगा, है ना। और क्या ये जो यह खुदाई किया गया है
तो इसमें इसका जो हाइट है वह उसमें किसी न किसी प्रकार वह मेंशन होगा, क्वेश्चंस में होगा, ठीक। तो अगर यह क्वेश्चन है तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन विथ रेडियस आर ही होगा, सेम रेडियस है एंड हाइट एच वन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वन, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा ना, ये पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वन, यही रिक्वायर्ड है। रिमेनिंग जो सॉलिड होगा उसका ही निकलेगा। तो इस तरीके से ऐसा ये क्वेश्चन हो सकता है, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कभी कभी होते हैं कि यह बिल्कुल जितना ये हाइट है इसका उस हाइट का यह ऐसे निकाल लिया गया, ये वुड जो है वो निकाल लिया गया, देन रिमेनिंग का वॉल्यूम ये निकालना है ना, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो इस तरीके से दोनों के का जो कंसेप्ट है वह ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से अब ये जो फार्मूला है इस चैप्टर का, जो अभी फार्मूला ये बताया, ये इसमें क्या है, ये पार्ट वन का ये अभी पोर्शन था है ना, राइट सर्कुलर कोर, ये पार्ट वन फिनिश हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न ऑल फार्मूला रिलेटेड ये राइट सर्कुलर कोन। थैंक यू। Okay.